हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ। और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर टू का सेकेंड पार्ट, यानी कि चैप्टर टू के अंदर दो स्टोरीज थी, जिसमें से फर्स्ट स्टोरी हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में कवर करी है और जो सेकेंड स्टोरी है वो आज हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। और स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मुझे एक कार ड्राइव करनी है। तो पहले तो मैं आपको इस छोटी सी स्टोरी का ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो स्टोरी है ये एक मुकेश नाम के छोटे से बच्चे की है, जो कि फिरोज़ाबाद में रहता है। फिरोज़ाबाद एक छोटा सा गांव है, छोटा सा टाउन है इंडिया में ही। यहाँ पे जो मुकेश है और जो उसकी फैमिली है, उसने जनरेशन से यानी पीढ़ियों से एक ही काम किया है, जो कि है बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने का काम। और फिरोज़ाबाद में समझिए दुनिया की हर लेडी के लिए वहाँ पे समझिए बैंगल्स बनती है, इतनी बैंगल्स वहाँ पे बनती है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ये छोटा सा बच्चा मुकेश है, इसको बैंगल मेकिंग के काम में कोई इंटरेस्ट ज़्यादा एज सच है नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपने टाउन में कार्स चलती हुई देखी और उसको कार्स में इंटरेस्ट है, तो इसको एक मोटर मैकेनिक बनना है। जब हमारी ऑथर जो एनीस जंग है, इससे मिलती हैं और पूछती हैं कि तुम प्लेन क्यों नहीं उड़ाना चाहते, तो वो एंड में कहता है उसे शायद पता ही नहीं होता कि एरोप्लेन क्या है, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से शायद एक या दो प्लेन्स ही कभी फ्लाई होके गए होंगे, तो उसे प्लेन्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो गया। तो वो फिर भी कहता है और डिटर्मिंड है, वो कहता है कि नहीं, मुझे तो मोटर मैकेनिक ही बनना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस वजह से वो मोटर मैकेनिक बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्या होते हैं, पुअर होते हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी बहुत गरीबी को फेस कर रही है उनकी फैमिली, तो जिस वजह से उनको बैंगल मेकिंग का ही काम करना पड़ता है। और उनकी पूरी फैमिली को बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई काम नहीं आता। ऑल्सो जो मुकेश है वो और उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आई साइट लूज कर ली, यानी कि वो लोग ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए इस काम में, क्योंकि बैंगल मेकिंग जो कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम होता है उसमें फर्नेसेज यानी भट्टी में काम करना पड़ता है और बैंगल को एक सर्कल शेप देना पड़ता है, जिस वजह से छोटे बचपन में ही बच्चों को फर्नेसेज में भेज दिया जाता है और डे लाइट दिन की जो सूरज की जो सन की ब्राइटनेस होती है उसको छोड़ के वो लोग एक डिम छोटे से डिंजी सेल्स जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है और वो लोग छोटे छोटे बैंगल्स को बना रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी आँखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और वो बच्चे अपनी आई साइट अडल्ट होने से पहले 18 साल के होने से पहले ही खो बैठते हैं। और उनकी फैमिली में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वजह से अपनी आई साइट खो बैठते हैं। तो एक पुअर होना इस दुनिया में शायद कितना अभिशाप है, यानी कितना बड़ा आप समझिए जैसे किसी को सज़ा मिली हो। इस वजह से छोटे बच्चों को भी अपनी आई साइट तक होनी पड़ती है और अपने हेल्थ को स्टेक पर लगाना पड़ता है। सो मुकेश के बारे में ये पूरा स्टोरी है कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसकी आंखों में एक ड्रीम है, एक सपना है कि इसको मोटर मैकेनिक बनना है, और जो उसकी फैमिली जनरेशन से काम कर रही है बैंगल मेकिंग का, वो उसमें करने का इंटरेस्ट नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी कि क्या है स्टोरी में और कैसे इस बच्चे की स्टोरी हम सबको इंस्पायर कर सकती है, अगर कर रही है किसी तरीके से तो। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो जब ऑथर एनीस जंग उससे बात करती है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बताता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, यानी किस तरीके का मैकेनिक जो कार्स को रिपेयर करे, टायर लगाए, ये सब। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो ऑथर उससे पूछती है कि तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है जो तुम्हें मोटर मैकेनिक बनना है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो ऑथर की आईज में बिल्कुल कॉन्फिडेंस से देखते हुए वो बोलता है इस डिटर्मिनेशन से कि नहीं, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं कार ड्राइव करना बिल्कुल सीख लूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो मुकेश है वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड है और मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं, मैं तो कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिंस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल दिस टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर बैंगल्स। तो जहाँ पर मुकेश और उसकी फैमिली रहते हैं, जिस जगह जिस टाउन में रहते हैं, उसका नाम है फिरोज़ाबाद, और पूरा फिरोज़ाबाद फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बैंगल्स बनाई जाती हैं। तो जो इसका ड्रीम है मुकेश का एक मोटर मैकेनिक बनने का, वो क्या लगता है, एक मिराज लगता है। मिराज यानी कि सीम्स दैट इट विल बी ट्रू इन द फ्यूचर बट एक्चुअली इट विल बी नॉट, और अमिडस्ट मतलब इन द मिडल ऑफ। तो यहाँ पे ऑथर बताती हैं
कि जो मुकेश का ड्रीम है कार मैकेनिक बनने का, वो फिरोजाबाद की धूल मिट्टी डस्ट से भरी हुई जगह में के बीच में एक मिराज जैसी दिखाई पड़ती है, यानी कि एक ऐसा सपना, एक ऐसा ड्रीम दिखाई पड़ता है जो कि लगता तो है कि हो जाएगा फ्यूचर में पूरा, लेकिन प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है कि वो एक मोटर मैकेनिक बन जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं जो ये सब चीज़ें वो सीखें और करें। ऑल्सो उनकी फैमिली जनरेशन से बैंगल मेकिंग में ही है, तो उसे भी उसी में ही जाना पड़ेगा। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो फिरोजाबाद है, ये एक सेंटर है पूरे इंडिया का जहाँ पे ये ग्लास की चूड़ियाँ बनाई जाती है, बैंगल्स बनाई जाती हैं, और मुकेश और उसकी फैमिली के जनरेशन यानी पीढ़ियों से लोग इसी बिजनेस में लगे हुए हैं। और उनका बिजनेस क्या है? फर्नेसेस, यानी कि इस तरीके के छोटे से रूम में जैसे लाइट के में वो लोग काम करते हैं, छोटा सा बल्ब जला के या एक कैंडल जला के, और आग में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, ये पूरा कमरा बहुत ज़्यादा वार्म, बहुत गर्म होता है, एंड उस वजह से इनको कांच को सर्कल शेप में लाने में इस तरीके से जोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी आँखों पर बहुत असर पड़ता है। वेल्डिंग यानी कि द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ग्लास पीसेस बाय हीटिंग देम, तो कांच के टुकड़ों को हीट करके उसके पीसेस को जॉइन करके ऐसे बैंगल का सर्कल शेप देते हैं इस तरीके के फर्नेसेस या भट्टियों में। और ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में इतनी चूड़ियां बनती कि इस पूरी दुनिया में जितनी लेडीज हैं, जितनी वुमेन हैं, उन वो सब फिरोजाबाद की ही ग्लास बैंगल्स पहनती हैं। तो मुकेश's फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी इसी बिजनेस में इन्वॉल्व है बैंगल मेकिंग की। None of them know that it's illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures and dingy cells without air and light. Dingy यानी कि dark या dim, जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, बहुत कम light होती है। तो वो यहाँ पे author बता रही है कि मुकेश और उसकी family या फिरोजाबाद में जितने लोग जो bangles बनाते हैं, उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि ये illegal है, यानी कि law के खिलाफ है, against the law है कि आप इतने छोटे बच्चों से इस तरीके के फर्नेसेस जहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जहाँ पे बच्चे जल सकते हैं, जहाँ पे इतना डिंजी, इतना डार्क रूम होता है जहाँ पे हॉट फर्नेसेस में बच्चों से काम कराया जाता है, ये इलीगल है, ये लॉ के ख़िलाफ़ है। ऑल्सो यहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, बहुत डार्क डिंजी छोटा सा सेल यानी बहुत छोटा सा कमरा है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing their brightness of their eyes. Slog का मतलब क्या है? Work hard. Daylight hours का मतलब क्या होता है? Hours of the day when there is sunlight. तो यहाँ पे author बोल रही है कि अगर law enforce करते हैं, अगर कोई कानून इन पे लगाया जाएगा seriously, तो जो 20,000 बच्चे जो सारा दिन इन हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे, जो दिन की लाइट में बाहर ना निकल के खेल नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, और एक छोटे से डार्क सेल में बैठ के इतने अंधेरे में काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी आंखों की ब्राइटनेस चली जा रही है, यानी कि उनकी आईसाइट ख़त्म हो जा रही है, वो लोग ब्लाइंड हो जा रहे हैं, अगर कुछ लॉ इन्फोर्स हो गया तो ये 20,000 बच्चे बच जाएंगे और उनकी आंखों की रोशनी, जो उनकी लाइट है, आईसाइट है, वो जाने से बच जाएगी। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. Beam यानी कि shine brightly, खुशी से खिल उठना, और volunteers यानी कि freely offers to do something. तो यहाँ पे author बताती हैं कि मुकेश की आंखें बहुत खिल उठती हैं, बहुत lighten up हो जाती हैं जब वो मुझे ऑफ़र करता है कि मैम आप चलो मेरे घर चलो, और मेरा तो घर अभी अभी रीबिल्ट हुआ है, यानी थोड़ा सा रेनोवेट हुआ है। तो वो अपने रेनोवेटेड छोटे से हट को, छोटे से घर को दिखाने के लिए ऑथर को कहाँ ले जाता है? अपने घर। कौन? मुकेश। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। तो अब ये जो पूरा रास्ता है बाहर जहाँ पे वहाँ पे खड़े होके वो लोग बात कर रहे होंगे ऑथर और मुकेश, वहाँ से लेके मुकेश के घर तक का जो पूरी जर्नी है, जो पूरा रास्ता है, वो ऑथर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है। वो बताती हैं जब हम वॉक करना चालू किया हमने उसके घर की तरफ, तो बहुत स्टिंकिंग लेन्स थी, यानी कि बहुत जो छोटी छोटी ऐसी पतली पतली गलियाँ थी
जिसमें वो लोग चल के जा रहे थे अंदर, ये बहुत स्टिंकिंग लेन्स थी, यानी यहाँ पे बहुत स्मेल आ रही थी क्योंकि शायद वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम नहीं था. चोक्ड विद गार्बेज, और जितनी भी साइड में लाइंस थी, जो गटर्स थे वो चोक्ड थे, यानी कि कचरे से ब्लॉक्ड थे. पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स, हॉवल्स यानी कि स्लम्स, और जितने भी घरों को वो क्रॉस कर रही थी वो सारे झुग्गियाँ थी, सब झोपड़ियाँ बनी हुई थी. विथ क्रम्बलिंग वॉल्स यानी कि फॉलिंग वॉल्स, और उन घरों की जितनी दीवारें थी वो इतनी पुरानी और इतनी कच्ची थी कि लिटरली का घर की सब वॉल्स जो थी वो झड़ रही थी, टूटने पे थी. वॉबलिंग डोर्स, और जो घर के दरवाजे थे वो बहुत वॉबली थे, यानी अनस्टेडी थे, यानी कि टूटे फूटे थे, उनमें दरारें आई हुई थी. और घरों में कोई विंडो, कोई खिड़की नहीं थी जहाँ से वेंटिलेशन हो पाए, ऑक्सीजन फ्रेश एयर अंदर आ पाए. क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमीवियल स्टेट. तो वो कह रहे थे कि जो छोटे छोटे घर थे वो इतने छोटे थे और उसमें रहने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे. तो बेसिकली घर बहुत छोटे और मेंबर्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन दोज हाउसेज, जो छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से घर में सफोकेशन बहुत ज़्यादा था. ऑल्सो उनके कुछ एनिमल्स जैसे कैट, डॉग, काउ, जो भी पेट एनिमल्स हैं वो भी घरों में एनिमल्स के साथ ही वो लोग रहते हैं. तो दे आर को एग्जिस्टिंग, यानी वो आर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दे वर लिविंग टुगेदर एट द सेम टाइम एक ही घर में. तो इंसान और जानवर एक ही घर में रह रहे थे, जो कि बहुत अनहाइजीनिक था. और घर कैसे थे, बहुत प्रिमेवल स्टेट के थे, यानी प्री हिस्टोरिक, यानी बहुत पुराने ज़माने के घर थे. कोई रेनोवेशन नहीं था, कोई घर को सही से उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखा था. तो ये पूरा ऑथर ने एक्सप्लेन किया है बाहर से लेके मुकेश के घर तक जाने का पूरा जर्नी. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन. बैंग्स यानी हिट करना, खटखटाना. तो वो फाइनली मुकेश लेकर आया ऑथर को उसके घर तक, और एक घर पे आके रुका, और एक वॉबली डोर यानी कि एक गिरता हुआ ऑलमोस्ट बहुत बुरी कंडीशन में टूटा फूटा दरवाजे को वो नॉक करता है, और फिर अपने फुट अपने पैर से धक्का मार के खोलता है घर का दरवाज़ा. इस तरीके से वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक. शैक क्या होता है, अ रफली बिल्ट हट, एक छोटी सी झोपड़ी जो अच्छे से नहीं बनी हुई है, रफली बिल्ट है यानी कम्प्लीटली बनी नहीं हुई है. तो इस तरीके का कुछ मुकेश का घर था अंदर से. इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, थैच्ड क्या होता है, कवर्ड विथ ग्रे ग्रास. तो घर का जो एक हिस्सा था वो इस तरीके का था जहाँ पे ग्रे कलर की ग्रास पूरी बिछी हुई थी. इस फायरवुड स्टोव एंड ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, वेसल यानी कि एक बड़ा कंटेनर जिसमें खाना पकाया जाता है. ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, सिजलिंग यानी मेक अ हिसिंग साउंड व्हेन फ्राइंग और कुकिंग. तो जब वो घर में घुसते हैं मुकेश के, और वो देखते हैं कि एक तरफ ग्रे कलर की ग्रास इस तरीके से बिछी हुई है, और उसके ऊपर फायरवुड यानी लकड़ी जल रही है, और लकड़ी के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स बर्तन रखे हुए हैं जिसके ऊपर कुछ पक रहा है. और क्या पक रहा था, स्पिनच लीव्स यानी पालक के पत्ते की जो सब्जी है वो पक रही थी एक बड़े से वेसल में. और सिजलिंग आवाज़ आ रही थी, यानी कि जब कोई चीज़ कुक होती है तो ऐसे उसमें से की जो साउंड होता है, उसकी जो आवाज़ होती है कुक होने की, वो आ रही थी उसके घर से, वो साउंड आ रहा था. ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एलुमिनियम प्लैटर्स, प्लैटर्स यानी कि लार्ज प्लेट्स, बड़े बड़े थाल जैसे बोलते हैं हम. तो ज़मीन पे बड़े बड़े से एलुमिनियम के बड़े बड़े थाल रखे हुए थे, और उनमें क्या रखी हुई थी, चॉप्ड वेजिटेबल्स यानी छोटी छोटी पतली पतली कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई थी थाल में, यहाँ पर इस तरीके से. अ फ्रेल, फ्रेल यानी बहुत जो थिन और जो वीक होती है. तो एक बहुत वीक लेडी वहाँ पर इस तरीके से बैठी हुई थी जब ऑथर ने घर में देखा. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, तो शाम का खाना बना रही थी ये लेडी वहाँ पर बैठी हुई, और जो कि बहुत पतली थी, बहुत ही वीक थी, कमज़ोर थी. थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आइज फिल्ड विद स्मोक यानी कि हर आइज आर फिल्ड विद द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फायरवुड स्टोव. तो क्योंकि वो इस तरीके से फायरवुड में भट्टी के सामने लकड़ी पर खाना बना रही थी, और उसमें से बहुत सारा स्मोक यानी बहुत सारा धुआं निकल रहा था, उसकी आंखें समझो उस पूरे धुएं से भर गई थी. लेकिन फिर भी जैसे ही उन्होंने घर में ऑथर को, किसी गेस्ट को देखा उस लड़की ने, उस औरत ने, तो उसने उनको स्माइल किया.
शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर. तो ये वुमन कौन है इनके घर में? मुकेश के बड़े भाई की वाइफ, यानी कि मुकेश की भाभी आप कह सकते हो. तो वो ये लेडी थी जो शाम का घर में सबका खाना बना रही थी. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in the charge of three men, her husband, Mukesh and their father. तो अब इस लेडी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि वो लेडी बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं थी, छोटी उम्र की ही थी. इससे ये पता चलता है कि उसकी बहुत कम एज में ही शादी हो गई थी और उसको घर में सब कमांड रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि वो इतनी वर्दी है, इतनी काबिल है, पूरे घर को इतने अच्छे से संभालती है, सबके लिए खाना बनाती है कि उसको सब एज अ बहू बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. यहाँ पे एक हिंदी का टर्म रिस्पेक्ट हुआ है, यूज़ हुआ है कि उसको सब बहू का दर्जा देते थे घर में और घर की डॉटर इन लॉ मानते थे. जो किस किस का ख्याल रखती थी घर में, मुकेश का जो कि उसके हस्बैंड का छोटा भाई था, खुद अपने हस्बैंड का और मुकेश के फादर का, यानी कि जो उसके फादर इन लॉ थे. तो तीन घर में वेल ग्रोन जेंट्स का ख्याल रखती थी और उनके लिए खाना बनाती थी. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस. अब जैसे ही घर में एल्डर मैन यानी कि उसके ससुर यानी कि मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं, तो वो क्या करती है, व्हील कर देती है, यानी कि घूंघट डाल देती है, अपना चेहरा कवर कर लेती है और घर की टूटी हुई दीवार के पीछे जाके छुप जाती है. तो ऐसा क्यों करते हैं? जो गांव के लोग होते हैं, जो विलेज के लोग होते हैं, वो घर में अपने हस्बैंड के अलावा जो कोई भी अगर मेल मेम्बर है फैमिली में, जैसे ससुर हो गए या अपने हस्बैंड के ब्रदर्स हो गए, उनसे मुंह ढाक लेती हैं, यानी घूंघट डाल देती हैं. क्यों? क्योंकि वो घर की बहू हैं. इसलिए एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉज मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल मेंबर्स. क्योंकि ये उनका कस्टम डिमांड करता था, उनके रिवाज ये था कि घर की जो लेडीज होंगी वो घर के जेंट्स से क्या करेंगी, घूंघट डालेंगी. इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिश्ड बैंगल मेकर. तो इस केस में ये जो एल्डर मैन है, ये जो घर का बुजुर्ग जो ससुर है इस लेडी का, ये कौन है? एक इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर है. इम्पावरिश्ड यानी वेरी पुअर, बहुत गरीब बैंगल मेकिंग के बिजनेस में ये लोग हैं. और इसमें ये बताया जाता है कि भले ही वो इतना गरीब है, उसने लाइफ में कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ चूड़ियाँ बनाने का काम किया और उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है और घर की जो बहू है उससे घूंघट रख रही है. Despite long years of hard labor, labor यानी कि hard work, मेहनत, first as a tailor and then as a bangle maker, he has failed to renovate यानी कि repair a house, send his two sons to school. तो वो बता रहे हैं कि इतने साल की मुकेश के फादर ने, यानी इस लड़की के जो ससुर ने इतनी मेहनत करी है, इतने साल मेहनत करी. पहले उन्होंने as a tailor, as a दर्जी काम किया, फिर उन्होंने bangle making के काम में आए. इतने साल मेहनत करने के बाद भी उनको रिटर्न में इस बिज़नेस से कुछ नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना ही वो अपना घर आज तक रिपेयर करा पाए हैं जो कि बहुत टूटा फूटा है, ना रेनोवेट करा पाए, और अपने दोनों बेटों को कभी स्कूल भी नहीं भेज पाए, यानी कि ना मुकेश को कभी स्कूल भेज पाए और ना ही मुकेश के बड़े ब्रदर को, एल्डर ब्रदर को. ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग. तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ क्या किया है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही चीज़ अपने दोनों बेटों को सिखाई है जो उससे आती थी, यानी चूड़ियों बनाने का जो ये आर्ट है, जो कला है, बस वो ही सिखा पाया और उसने कुछ नहीं किया. इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's ग्रैंड मदर, हु हैज़ वॉश्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. तो अब घर में एक लेडी और है. कौन है वो एक लेडी? मुकेश की ग्रैंड मदर, यानी जो ये लेडी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो खाना पका रही थी, उसकी समझो दादी सांस. ओके, इस तरीके से. तो जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो क्या बोलती है वहाँ पर ऑथर को? वो कहती है कि मेरे बेटे का ये कर्म है, ये उसने ऐसे पिछले जन्म में कोई काम ऐसे किए होंगे जिस वजह से उसकी डेस्टिनी, उसकी किस्मत में बैंगल मेकिंग का काम लिखा था. ऑल्सो वो बताती हैं कि मेरे खुद के हस्बैंड यानी कि जो मुकेश के दादाजी हैं, उनकी भी आईसाइट जा चुकी थी, यानी कि इसी काम को करते करते
वो भी एक दिन ब्लाइंड हो गए थे जब वो जो बैंगल्स थी उनको पॉलिश करने का काम करते थे, तो इस वजह से वो भी ब्लाइंड हो चुके हैं। तो आप ये बात सोचिए कि यहाँ पे लोगों की थिंकिंग कितनी पुरानी है, कितनी ऑर्थोडॉक्स है, कि वो अपने बच्चों को कोई और काम करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, वो इस चीज़ को किस बात पे थोप रहे हैं, इस बात को इस चीज़ को लेके थोप रहे हैं कि ये तो इसका कर्म था बेटा, इसीलिए हम चूड़ियों बनाने के बिज़नेस में हैं, और ये तो हमें भगवान ने बिज़नेस दिया है, हमें हमारे पुरखों ने, हमारे पिछले जनरेशन ने काम किया है, तो हम भी यही काम करेंगे। तो ये आप सोचिए कितनी छोटी सोच और कितनी नैरो माइंडेड सोच है, जिससे ये लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं और इसकी वजह से इनके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। तो गॉड गिवन लीनेज का मतलब क्या है? अ प्रोफेशन कैरिड ऑन थ्रू द जनरेशन ऑफ अ फैमिली, ग्लास मेकिंग। तो वो कह रही है कि हमें भगवान ने ये प्रोफेशन दिया है, हमारी जनरेशन, हमारे पुरखों ने ये काम किया है चूड़ियों बनाने का, तो भगवान की दी हुई चीज़ को क्या हम ठुकरा सकते हैं? जो हमारे पुरखों ने किया वो हम भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी छोटी सोच है उनकी। उनके खुद के हस्बैंड की आईसाइट जा चुकी है इस बिजनेस में, तब भी उन्होंने अपने बेटे को, अपने पोते को, आएगे आगे की सारी जनरेशन को यही काम करवाएंगे। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन द एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। तो यार्ड का मतलब क्या होता है? एन ओपन एरिया इन द बैक ऑफ द हाउस, तो घर का पिछला हिस्सा, पीछे का हिस्सा, जो खाली वरांडा जैसा होता है। तो उन्होंने कहाँ जन्म लिया है इस फैमिली ने? एक ऐसी कास्ट में, एक ऐसी जगह उन्होंने जन्म लिया है जहाँ पे लोग बैंगल मेकर्स हैं, मुकेश की फैमिली। और उन्होंने अपने पैदा होते से अपने एंड तक उन्होंने हमेशा क्या देखा है? सिर्फ चूड़ियाँ बनती हुई देखी है उन्होंने अपने घर में, अपने घर के यार्ड्स में, दूसरों के घर में, हर जगह फिरोजाबाद में सड़कों पे सिर्फ चूड़ियों को, बैंगल्स को सेल होते हुए देखा है या बनते हुए देखा है। तो मानते कि हम लोग उस कास्ट से ही बिलोंग करते हैं जो चूड़ियाँ बनाते हैं, इसलिए हम और कोई काम नहीं कर सकते। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू। तो यहाँ पे अलग अलग वो कलर्स बता रही कि हमने बचपन से लेके बड़े होते तक हर तरह की बैंगल्स देखी हैं, गोल्ड कलर की, ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक कलर की, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो कह रहे हैं एक रेनबो में जितने कलर्स होते हैं उतने उन सारे कलर्स, उन सारे 7 कलर्स की हमने क्या देखी हुई है? बचपन से लेके आज तक बैंगल्स देखी हुई हैं। लाइन मोल्ड्स, माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स। और ये सारी जितनी बैंगल्स बनती हैं ये कहाँ? माउंट्स में, यानी कि ढेर बन के इकट्ठा करके हर जगह, अनकेप्ट यानी नॉट टेकन केयर ऑफ, यानी कि ढेर बने हुए चूड़ियों के हमने बचपन से लेके बड़े होते तक देखे हैं, जिन जो फिकती हैं इधर उधर, जिनका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स। तो जो हैंड कार्ट्स होते हैं, यानी कि जो एक वो लकड़ी का ऐसे व्हील्स वाला जो एक व्हीकल होता है जो गाँव में चलाया जाता है, उसके ऊपर पाइल्ड, यानी कि एक के ऊपर ढेर बनी हुई, केप्ट ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक उसके बंडल्स रखे हुए हमने बचपन से देखे हुए हैं। और उन कार्ट्स, उन व्हीकल्स को कौन पुश करता है? पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। शैंटी टाउन यानी कि टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स। तो फिरोजाबाद का टाउन कैसा है? शैंटी टाउन है, यानी कि बहुत छोटा सा शहर जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे झोपड़े यानी कि हट्स बनी हुई हैं। तो वो कह रहे हैं हमने बचपन से लेके बड़े होते तक हर कलर की यहाँ पे बैंगल्स देखी हैं जो ढेरियों में पड़ी रहती है, जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। और एक के ऊपर एक वो क्या करते हैं यहाँ के मैन? बना के कार्ट्स में, वो व्हीकल्स में रखते हैं, एंड देन उसके पास उसको ढकेलते हुए गांव के मार्केट की तरफ ले जाते हैं और फिर वहां पे जाके सेल करते हैं बैंगल्स। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। तो ये क्या बता रहे हैं कि इन डार्क हटमेंट्स, यानी कि ये जो छोटे छोटे झोपड़े, यहाँ पे क्या होता है? इतनी लाइट नहीं होती, बहुत अंधेरा होता है यहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं? ऐसे छोटे छोटे लैम्प्स जला के जो बच्चे होते हैं अपने मदर्स एंड फादर्स के साथ बैठते हैं और क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं, यानी कि जो कांच के छोटे छोटे पीसेस होते हैं तोड़ के उसको ऐसे बैंगल जैसा शेप देते हैं। तो ये पेरेंट्स तो काम कर ही रहे हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बजाय अपने बैंगल मेकिंग के ही प्रोफेशन में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड।
अब इन बच्चों ने और इनके घर के जितने भी एल्डर्स हैं इतनी अंधेरे में बैठ के चूड़ियों बनाने का काम लॉन्ग आवर्स तक करते हैं कि इनकी आंखें ऐसे एडजस्ट हो गई हैं अंधेरे में ही काम करने की, और जब ये लोग बाहर लाइट में जाते तो इनकी आंखों में स्ट्रेस पड़ता है सनलाइट की वजह से, क्योंकि ये लोग अपना मैक्सिमम टाइम इस तरीके से अंधेरे में एक छोटा सा ऑयल लैम्प, ऐसे तेल का एक छोटा सा लैम्प जला के उसमें अपना ये बैंगल मेकिंग का काम करते रहते हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. तो adults बनने से पहले यानी 18 years की एज से ही पहले इन बच्चों की eyesight चली जाती है, क्योंकि continuous अंधेरे में बैठ के अपनी आंखों को strain देते हैं और heat में काम करते हैं bangle बनाने का। Savita, a young girl, is a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. तो अब यहाँ पे author क्या बता रही है, एक घर में एक झोपड़े में देखा हुआ सीन यहाँ पे हमें बता रही है। वो बता रही है एक लड़की है सविता जिसके साथ में एक बड़ी उम्र की लेडी बैठी हुई है और दोनों क्या कर रही हैं, दोनों बैंगल बनाने का इस तरीके से काम कर रही हैं। ड्रैब यानी कि फेडेड कलरलेस, तो सविता ने बहुत कलरलेस और बहुत पुरानी ड्रेस पहनी हुई है और वो बैंगल्स बना रही है और साथ में उसकी एक और बड़ी उम्र की लेडी बैठी हुई है, वो भी क्या कर रही है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास यानी ये जो चूड़ियों के पीसेस उनको जॉइनिंग का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, तो वो बोल रहे हैं कि ये लोग इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिन हाथों से वो वेल्डिंग कर रही है यानी चूड़ियों के पीसेस को जॉइन कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ एक मैकेनिकली यानी कि मशीन की तरह चल रहे हैं, यानी कि उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है ये करने की कि उनके मशीन की भी ज़रूरत नहीं, उनके हाथों से ही वो मशीन की तरह फटाफट काम कर रही है। टोंग्स यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट विद टू मूवेबल आर्म्स जॉइंट टू वन एंड, चिमटा जिसे बोलते हैं टोंग्स, तो उनके हाथ जो हैं टोंग्स जैसे मशीन की तरह काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स टू मेक, सैंक्टिटी मतलब द स्टेट ऑफ बींग सेक्रेड और होली, जिससे कोई रिलीजियस या जिससे कोई बहुत मीनिंगफुल बात जुड़ी होती है। तो यहाँ पे ऑथर सोच रही है और हमें बता रही है कि सविता एक छोटी सी लड़की और साथ में जो एक और वुमेन बैठी हैं जिसकी शादी हो चुकी है उस वुमेन की, एल्डरली वुमेन की, ये लोग क्या होती हैं, ये लोग क्या बना रहे हैं, बैंगल्स बना रहे हैं। और इंडिया में हमारे हिंदू धर्म में बैंगल्स का बहुत महत्व माना जाता है, जो मैरिड वुमेन होती हैं दे वेयर बैंगल्स एंड वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, बिकॉज वो क्या बोलते हैं, अपने हस्बैंड के नाम की हम बैंगल पहन रहे हैं, दैट मीन्स उससे उनका सुहाग जुड़ा हुआ है जो हम अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो वो सोचती हैं कि छोटी सी बच्ची जो बैंगल्स बनाने के काम में लगी हुई है और इतनी परफेक्शन से बना रही है, क्या इसको इस बैंगल का महत्व पता है, सैंक्टिटी पता है, इसके पीछे जो हिंदू धर्म में जो क्वालिटी जुड़ी हुई है इसके साथ, जो सेक्रेड और होली बातें जुड़ी हुई हैं इस चूड़ियों के साथ, बैंगल्स के साथ, क्या वो इसे पता है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, तो ये चूड़ियाँ क्या सिंबलाइज करती हैं, क्या दर्शाती हैं कि जो इंडियन वुमेन जो मैरिड वुमेन होती हैं उनकी ऑस्पिशियसनेस यानी कि गुड ओमेन, कि एक मैरिड वुमेन है तो शी शुड वेयर दीज बैंगल्स एंड उससे उनका सुहाग एंड ऑल दीज थिंग्स आर सिंबलाइज विद दीज बैंगल्स। तो इससे यहाँ वो ये बताती हैं कि ये छोटी सी बच्ची बैंगल्स बनाने का काम तो कर रही है, पर क्या इसे इन बैंगल्स ये बैंगल्स क्या सिंबलाइज करती है हिंदू रिलीजन में, क्या इसको इस बारे में पता है, क्या नॉलेज है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड विद रेड हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स। डॉन ऑन हर मतलब शी विल रियलाइज़, जब ये वो चीज़ रियलाइज करेगी, और ड्रेप्ड यानी कि कवर्ड ढका हुआ, तो ऑथर यहाँ ये समझाना चाह रही कि अभी इस बच्ची को सविता को नहीं पता कि बैंगल्स की क्या ऑस्पिशियसनेस है एक मैरिड वुमेन की लाइफ में, ये बना तो रही है बैंगल्स लेकिन इसे कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो ये रियलाइज करेगी कि उसका सर एक रेड कलर के दुपट्टे से ढका हुआ है और उसके हाथों में रेड कलर की हिना से डाई किया हुआ यानी रेड कलर की इस तरीके से मेहंदी लगी हुई है एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर वेस्ट, और वो रेड कलर की बैंगल्स चूड़ियाँ अपनी कलाई में पहनेगी, शी विल देन बिकम अ ब्राइड, वो दिन होगा जब वो एक ब्राइड बनेगी और दुल्हन बनेगी और उसे इन बैंगल्स की ऑस्पिशियसनेस और ये बैंगल्स हिंदू रिलीजन में क्या सिम्बलाइज करती हैं तब जाके इसको इन बैंगल्स का रियल मीनिंग
पता चलेगा. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी इयर्स अगो, उसी वुमन की तरह जो उसके पास में बैठी हुई है और जिसकी सालों पहले शादी हो चुकी हुई है. जैसे उसे बैंगल की ऑस्पिशियसनेस पता है और वो बना भी रही है, उसी की तरह एक दिन इसको भी पता चलेगा जब ये ब्राइड बनेगी या दुल्हन बनेगी. शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज. तो ऑथर बताती हैं कि वो जो एल्डरली वुमेन, जो बूढ़ी सी औरत उसके साइड में बैठी हुई है, उसके हाथ में अब भी बैंगल्स हैं, यानी कि वो अब भी मैरिड है, लेकिन उसकी आंखों में शादी के बाद होने वाली कोई हैप्पीनेस, कोई खुशी नहीं है. उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है, यानी कि वो दुखी है क्योंकि वो बहुत पुअर है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. तो दिस इज़ अ हिंदी लाइन और या स्टेटमेंट जो वो बोलती है एल्डरली वुमेन ऑथर को. वो कहती है हमने एक शेर का खाना भी नहीं खाया, यानी एक शेर यानी कि अ यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी को मेजर करने के एक यूनिट. तो वो कहती है हमने इतनी क्वांटिटी का यानी भरपेट कभी हमने आज तक खाना भी नहीं खाया. हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, लेकिन हमने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कभी भरपेट खाना नहीं खाया. इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन्ड जॉर, वो जिस तरीके से बोलती है वो ऐसी वॉइस होती है जिसमें, जिस आवाज़ में एक रुपए की भी खुशी नहीं होती, सारी हैप्पीनेस ख़त्म हो चुकी होती है उसकी लाइफ में. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड. उसने रीप्ड यानी रिसीव्ड एज अ बेनिफिट. तो ऑथर कह रही कि उस लेडी ने, एल्डरली वुमन ने अपनी पूरी उम्र बैंगल मेकिंग के काम में लगा दी और इतनी मेहनत करी है, लेकिन फिर भी बेनिफिट में उसको क्या मिला? यही मिला कि उसने कभी जीवन में भरपेट खाना नहीं खाया पूरी लाइफ में. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. तो उस एल्डरली वुमन का जो हस्बैंड है उसकी बड़ी सी दाढ़ी और वो कहता है मैडम हमें कुछ काम करने नहीं आता, हमें तो सिर्फ बैंगल्स बनाने आते और हमने अपनी पूरी लाइफ टाइम यही काम किया है. ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही काम किया है, वो ये काम है कि मैंने कम से कम एक अच्छा घर बना के दे दिया अपनी फैमिली को, ऐसा वो ओल्ड मैन बोलता है. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. तो ऑथर कहती हैं कि इस बूढ़े आदमी की बात सुन के ऐसे लग रहा था कि इसने तो कोई एक ऐसा काम कर दिया है अपनी लाइफ में जो कितने सारे लोग अपनी ज़िंदगी में करने के लिए फेल हो चुके हैं. यानी ये आदमी मुझसे बोल रहा है कि मैं, मुझे तो सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम आता और मैंने तो एक घर बना के दे दिया है अपने ख़ानदान को. तो मतलब घर बना के दे दिया तो कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है, ऐसा तो सभी करते हैं, अमीर गरीब बुज़ुर्ग जवान आदमी हर इंसान जो है एटलीस्ट एक घर एक छत तो अपने लिए अफोर्ड कर ही देता है. तो तुम्हें एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिला इस बैंगल मेकिंग के काम से? यहाँ पे ये मीनिंग निकल रहा है ऑथर की बात से. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not enough to eat, rings in every home. Rings यानी कि a sound which is repeated. तो author यहाँ बोलती है कि उस आदमी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अपने घर वालों के सर पे छत रख दी है और पूरी उम्र बैंगल मेकिंग करके उसने ये काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, जैसे बहुत सारे लोगों ने आज तक कभी ऐसा काम किया ही नहीं है. ऑल्सो वो ये बोलती हैं कि ये गरीब होने का जो रोना है आपको फिरोज़ाबाद के हर घर में सुनाई देगा कि वो लोग बहुत गरीब हैं और वो सिर्फ बैंगल मेकिंग के बिज़नेस में ही, क्योंकि उनका फिरोज़ाबाद के हर घर में जितने लोग हैं सब बैंगल मेकिंग के बिज़नेस में ही इन्वॉल्व रहते हैं और गरीब होने की वजह से वो हमेशा अपना ये रोना गाते रहते हैं. द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. एको यानी कि आवाज़ गूंजना, रिपीट करना किसी बात को, और लेमेंट माने कि कंप्लेन, किसी से शिकायत करना. तो जितने भी घर के यंग मैन हैं, जितने भी जवान लोग हैं, वो हमेशा एक ही शिकायत रिपीट करते रहते हैं अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की, कि वो लोग बैंगल मेकिंग के काम में थे इसलिए हम भी बैंगल मेकिंग के काम में, वो भी पुअर हैं तो इसलिए हम भी पुअर हैं. तो ये रोना आपको फिरोज़ाबाद के हर घर में सुनाई देगा. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. Mind-numbing का मतलब क्या होता है? Boring, जो चीज़ में आप करके बहुत बोर हो गए हो. और toil का मीनिंग क्या होता है? Physical hard work done to earn living. तो वो बोल रही हैं ऑथर कि थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं फिरोज़ाबाद के लोगों में.
इतने साल तक ये बोरिंग बैंगल मेकिंग का काम करने के बाद, जो कि जिसमें इतना हार्ड वर्क लगता है, इतनी फिजिकल मेहनत लगती है, यहाँ तक कि लोगों की आईसाइट भी चली जाती है, इस वजह से लोगों के जो इनिशिएटिव हैं, यानी लोग जो लोगों के ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो अब सब मार दिए गए हैं, यानी किल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे लोग अब कुछ नहीं सोचते, इनको कुछ आता ही नहीं है, ये लोग सिर्फ बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं और इनके अब अपने खुद के कोई सपने, कोई ड्रीम्स नहीं है, इन्होंने सबको अपने ड्रीम्स को मार दिया है। फिर ऑथर इनसे कहती है, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ्स इनटू अ कोऑपरेटिव। तो ऑथर इनसे कहती है कि तुम लोग सब बैंगल मेकर्स जो है, ये सब आपस में मिलके एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो, एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो, ताकि तुम लोग काम करो और तुम लोग और पावरफुल बन जाओ, अपने इस बैंगल मेकिंग के ही काम को बड़े लेवल पे करो, ताकि और पैसा आए घर में। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द वीशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। वीशियस का मतलब क्या होता है? क्रूअल, यानी जो बहुत क्रूअल होते हैं, जो बहुत जालिम होते हैं। तो ऑथर कहती कि मैंने कुछ ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछा कि तुम लोग इतने क्रूअल सर्कल में से क्यों फंस गए हो, यानी कि क्रूअल विशियस सर्कल, यानी ये जो सर्कल है जिसमें बहुत सारे मिडिल मैन है, जिसमें ज़मींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने फंसा के रखा है, यानी कि पकड़ के रखा है इन यंग मैन के फादर्स को और उनके फादर्स एंड उनके फादर्स को, यानी पूरी जनरेशन के लोग जो हैं कर्जों में डूबे हुए हैं। क्या होता है, अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बैंगल के लिए, ये जो लोग होते हैं ये साहूकार या छोटे मोटे बिजनेसमैन से कुछ पैसा उधार ले लेते हैं और इस बदले में वो लोग इनसे इनकी कुछ चीज़ होती है वो मॉर्गेज करा लेते हैं, यानी कि गिरवी रखवा लेते हैं। हो सकता है कुछ कान के टॉप्स हो गए, या कोई इनकी इनकी कोई गोल्ड की छोटी मोटी ज्वेलरी हो गई, कुछ भी जो भी इनके पास कीमती होगा वो इनसे वो लोग जमा करवा लेते हैं। अब ये लोग पूरी ज़िंदगी उन लोगों के लिए बैंगल बनाते रह जाते हैं और इतने पुअर होते हैं, इनकी इनकम इतनी हो ही नहीं पाती कि वो उनसे उनका लिया हुआ उधार या लोन जो है उन लोगों को वापस कर पाए, जिस वजह से वो इस पूरे विशियस सर्कल, इस पूरे जहरीले सर्कल में फंस जाते हैं, जिसमें मनी लेंडर्स जो होते हैं इन बैंगल मेकर्स का फ़ायदा उठाते हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये लोग उन लोगों के लिए ही काम करते रहते हैं। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to the jail for doing something illegal, they say. Hauled up यानी कि dragged या taken away. तो ये young men author से कहते हैं कि अगर हमने मान लो ऐसा कर भी लिया कि हमने एक organization बना ली अपनी, यानी अपना खुद का एक group बना के बड़े level पर अपना कुछ काम start किया bangle making में, तो ये जो police वाले हैं ये हमको आएंगे drag करके हमें jail में बंद कर देंगे। अब आप सोचिए कि अगर आपने पार्टनरशिप में या ग्रुप या कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पुलिस आपको जेल में क्यों डालेगी? लेकिन ये लोगों की ऐसी मेंटालिटी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस आएगी, हमें मारेगी, हमें घसीटते हुए जेल में बंद कर देगी। क्यों? और ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कोई एक लीडर, कोई एक ऐसा पर्सन निकल के नहीं आ रहा जो इस चीज़ में इनिशिएटिव ले। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। तो कोई उनको कोई सही दिशा, कोई रास्ता, कोई गाइडेंस देने वाला इनके यहाँ पे कोई है ही नहीं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, तो जितने थके हुए और जितनी वीक इनके फादर्स हैं, उतने ही ज़्यादा थके हुए और वीक इनके बच्चे भी हैं, क्योंकि बहुत पुअर हैं ये लोग और पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी बैंगल मेकिंग में और लोगों की मनी लेंडर्स के अंडर काम करने में ही निकाल दिए। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Spiral का meaning क्या होता है? A never-ending continuous process. Apathy का meaning क्या होता है? Lack of concern, जब हमें किसी की कोई फिक्र या कोई चिंता नहीं होती। और greed का मतलब क्या होता है? Intense and selfish desire for something. जिस भी इंसान को जो भी मिल जाता है तो वो greedy होता है खाने के लिए, या जो भी हमें मिल जाए हम हड़प लें, हम ले लें। तो यहाँ पे बता रही हैं ऑथर कि ये जितने भी बैंगल मेकर्स हैं एक स्पाइरल, एक चक्कर में फंस गए हैं जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, और ये लोग इस चक्कर में से, इस स्पाइरल जर्नी में से निकल ही नहीं पा रहे हैं। पहले तो बहुत पावर्टी है और ये चक्कर में क्या क्या है? पावर्टी है, एपथी है, ग्रीड और इनजस्टिस है। यानी कि सबसे पहले तो ये लोग बहुत पुअर हैं, इतने गरीब होते हैं कि ये लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, इनको एक ही चीज़ आती है वो है बैंगल मेकिंग।
फिर ये लोग बैंगल मेकिंग करते हैं और फिर ये लोग किस तरफ जाते हैं, एपेथी की तरफ, क्योंकि इनको थोड़े से ही पैसे मिलते हैं और इनका मेन कंसर्न ये होता है कि घर में खाना आ जाए, फूड आ जाए, सब लोग भरपेट खा लें, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए ये दूसरी चीज़ों के बारे में कंसर्न्ड नहीं होते, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उनकी लाइफ में होती है उसका ध्यान नहीं रखते, क्योंकि इनका मेन काम सिर्फ ये कि ये लोग बहुत पुअर है और इतना कमा लें कि घर में सिर्फ खाना ही आ जाए। फिर इस वजह से ये लोग क्या बन जाते हैं, ग्रीडी। जो बहुत पुअर होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता वो नेचुरली ग्रीडी बन जाते हैं, क्योंकि उनको फिर जो भी मिलता है वो उसको हड़पने में या खाने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवन में कुछ मिला ही नहीं तो वो लोग ग्रीडी हो जाते हैं। एंड जिस वजह से क्या होता है, वो हो सकता है चोरी कर ले, हो सकता है किसी का पैसा वापस ना करे, तो उनके साथ वो अनजस्टिस भी कर रहे हैं, इनजस्टिस हो रहा है और फिर से वो पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली वो एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जिसमें से वो और उनकी जनरेशंस और उनके आने वाली जनरेशंस फंस चुके हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, तो एंड द अदर इज अ विशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो डिस्टिंक्ट यानी कि क्या, सेपरेट यानी दो अलग अलग चीज़ें। स्टिग्मा का मीनिंग क्या होता है, डिसऑनर या किसी चीज़ पे डिसरिस्पेक्ट, धप्पा लगना। और ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, वो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स, पुलिसमैन, जिनसे ये लोग सामना नहीं कर पा रहे। तो ऑथर यहाँ कहती है कि ये सारी सिचुएशन इन लोग की देख के मुझे दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग ऐसे सेपरेट वर्ल्ड दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ल्ड तो इन गरीब लोगों का है जो बैंगल मेकिंग के बिजनेस में है और जिनको मनी लेंडर्स और शाहूकार्स ने दबा के रखा हुआ है और इसीलिए ये बेचारे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको लगता है कि हम उस कास्ट से बिलोंग करते हैं जो बैंगल मेकिंग में है, तो हमारी पूरी जनरेशन यही काम करेंगी और इनको कोई और काम करने में लगता है कि हम पर धप्पा हो जाएगा, हम पे स्टिग्मा लगेगा अगर हम कोई और काम करेंगे। और दूसरा वर्ल्ड जो हमारी ऑथर देखती है वो है ये सारे पॉलिटिशियंस, साहूकार्स, मिडलमैन, उन लोगों का जो इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं वोट डलवाने के लिए भी। तो बेसिकली दो वर्ल्ड बिल्कुल अमीर और गरीब का जैसे डिवाइड हो गए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो ये जनरेशन से बैंगल मेकिंग करते आ रहे हैं और लोगों के लोन्स में से, जो लोगों से इन्होंने लोन्स लिए हैं मिडिल मैन से या किसी भी मनी लेंडर से, उनके एहसानों तले दब रहे हैं, जिस वजह से ये एहसान कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है इनके आने वाली जनरेशन पे, यानी इनके आने वाले बच्चों पे। तो ये बेसिकली फोर्स कर रहे हैं और एक बर्डन, बैगेज यानी कि एक बर्डन लगा दिया इन्होंने अपने बच्चों को, जिसकी वजह से उनको भी अपनी पूरी ज़िंदगी ये काम करना पड़ रहा है और उसकी वजह से उनकी आने वाली जनरेशन को भी यही काम करना पड़ रहा है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट्स नेचुरली एज हिज फादर। जब तक वो बच्चा बड़ा होए, अवेयर होए, अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचे सोचे, उससे पहले ही उनके फादर्स उनको बैंगल मेकिंग के बिजनेस में या जॉब में लगा देते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। टू डेयर मतलब डू समथिंग करेजियस, किसी चीज़ को करने की हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। तो इनके कास्ट में, इनकी कम्युनिटी में कुछ बैंगल मेकिंग से हटके सोचना, सपने देखना, कुछ करना का मतलब ये कि आपने कोई हिम्मत कर ली, कोई बड़ी बात कर ली आपने, जो बैंगल मेकिंग का बिजनेस ना करके आप कुछ और करने के लिए सोच रहे हो। और डेयर करना यानी किसी चीज़ के लिए हिम्मत जुटा के बोलना, इनके कास्ट के बच्चों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग उनको कभी ऐसा बनने ही नहीं देते। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. तो author कहती है कि जब मुझे मुकेश का ध्यान आया, जिसके मैं घर गई थी और जिसकी मैं फैमिली से मिली थी, उसके बारे में सोच के मैं बहुत खुश होती हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलता है, I want to become a motor mechanic, he repeats. तो वो बोलता है कि मुझे motor mechanic बनना है और ये ऐसा बोलता है। तो ये जब बात सोचती हैं author, तो वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि एटलीस्ट इस बच्चे में एक ड्रीम है, बैंगल मेकिंग से हटके कुछ करने का एक सपना है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न। और क्योंकि वो बोलता है कि मैं गैराज जाऊंगा और कार मैकेनिक का काम पूरा सीखूंगा, उससे यह समझ में आता है कि इसमें कुछ करने की चाहत है। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। पर जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स।
तो जब ऑथर कहती है कि गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल के जाऊंगा, रोज वॉक करके जाऊंगा। यानी ये बच्चा मेहनत करने के लिए भी तैयार है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब ऑथर प्यार से छोटे से बच्चे से बोलती हैं कि तुम तो कार मैकेनिक बनने का सपना देख रहे हो, कभी तुमने प्लेन उड़ाने का सपना देखा है? ही इज सडनली साइलेंट। तो ये बच्चा जो मुकेश है एकदम से चुप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसे एरोप्लेन का मतलब ही नहीं पता, उसे एरोप्लेन का मीनिंग ही नहीं पता। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। तो क्योंकि वो बहुत एम्बेरस्ड फील कर रहा है, वो ज़मीन पर नज़रें झुका के देखते हुए बोलता है नो, यानी मुझे कभी इस चीज़ का सपना नहीं आया। और इसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसे एरोप्लेन का मतलब ही समझ नहीं आया। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। तो उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि वो एम्बेरस तो है, क्यों? क्योंकि उसको एरोप्लेन के बारे में नहीं पता, लेकिन वो इस चीज़ को रिग्रेट नहीं कर रहा है, यानी इस चीज़ से पछता नहीं रहा कि अरे मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मुकेश की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बहुत एक हार्ड वर्किंग बच्चा और वो एरोप्लेन्स के बारे में भी जल्द जान लेगा। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो कंटेंट है, वो सैटिस्फाइड है अपने कार मैकेनिक के ही ड्रीम से, क्योंकि वो अपने टाउन में कुछ कार्स को चलते फिरते सड़कों पर देखता है। हर्टलिंग डाउन यानी कि मूविंग अराउंड। तो उसे कार्स के बारे में ही पता और वही सपना उसने अब तक देखा है। उसने शायद एरोप्लेन्स देखा नहीं और एरोप्लेन्स के बारे में उसे पता नहीं, तो शायद उसका सपना वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि कुछ ही एरोप्लेन्स होते हैं जो फिरोजाबाद के ऊपर से फ्लाई करते हैं और जिनके बारे में शायद मुकेश को नहीं पता। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे हमने चैप्टर 2 की सेकेंड पार्ट जो स्टोरी है वो हमने इस वीडियो में कवर करी। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जल्दी से जाइए और देखिए उस वीडियो को भी। और अगर आपको YouTube पे हमारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आपको एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है जिससे आपको इजीली हमारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाए। आपको सिर्फ गूगल ओपन करना है और आपको हमारी वेबसाइट का नाम डालना है जो कि है magnetbrains.com। जब आप डालेंगे तो इस टाइप का आपके सामने हमारा पोर्टल आ जाएगा, पेज आ जाएगा, जहाँ पे हर क्लास मेंशनड है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 11th की इंग्लिश का कोई वीडियो देखना है तो आप क्लास 11th पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने ओपन हो जाएगा जहाँ पर सारी क्लास 11th में पढ़ाने वाले टीचर्स और जो जो वो सब्जेक्ट्स लेते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको इंग्लिश देखना था तो आपने इंग्लिश पे क्लिक किया जो कि मैं पढ़ाती हूँ, तो इस तरीके के आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी सारे चैप्टर्स और सारी पोम्स की। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 देखना है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगी तो इस तरीके का मेरा वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको इजीली वीडियो मिल जाएगा और आप अपनी चैप्टर को कवर कर सकते हैं। सो आई होप आपको किस तरीके से YouTube पे अगर वीडियो नहीं मिल रहा तो आपको किस तरीके से हमारे पेज पर जाके हमारे वीडियोस मिल जाएंगे वो समझ में आ गया होगा। तो आने वाली हमारी और भी वीडियोस और चैप्टर्स के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।